myself Sultan Singh. In this video, we discuss chapter number 3. Chapter 3 is the Delhi Sultanate. Chapter 3 जो हमारा है वो दिल्ली के सुल्तानों के बारे में है. दिल्ली के जो शासक हुए उनको सुल्तान कहा जाता था. लखनऊ में जैसे शासक हुए उनको नवाब कहा जाता था, तो हर जगह के शासक को कोई विशेष उपाधि दी जाती थी. तो दिल्ली में जो शासक हुए वो विशेष रूप से क्या कहे गए, सुल्तान कहे गए. तो आइए हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं. आप सभी लोग बुक अपने पास रखिए और बुक के माध्यम से पढ़ाई कीजिए. इंडिया डिड नॉट फेस एनी मेजर इन्वेजन मोर देन 150 ईयर्स आफ्टर द रेड्स ऑफ मोहम्मद गजनवी. मोहम्मद गजनवी की जब आक्रमण हुआ उसके 150 सालों के बाद तब भारत में कोई विशेष घटना नहीं घटी, कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई घटना नहीं घटी जिसके बारे में पढ़ा जाए. लेकिन उसके बाद क्या होता है, इट वॉज बाय द मिड 12th सेंचुरी दैट ए रूलर ऑफ गौर. ये बात है 12वीं शताब्दी के मध्य की. एक रूलर होते हैं कहाँ के, गौर के. गौर कहाँ है, ए स्मॉल प्रिंसिपलिटी इन अफगानिस्तान. अफगानिस्तान का एक छोटा सा राज्य है जिसका नाम क्या है, गौर. क्या होता है, मोहम्मद गोरी अटैक एंड कैप्चर पार्ट ऑफ पंजाब एंड सिंध. पंजाब और सिंध पर आक्रमण करके मोहम्मद गोरी क्या करता है, उसके कब्जा कर लेता है, कैप्चर कर लेता है. इन 1191 एडी ही क्लैश विद पृथ्वीराज चौहान इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन. तराइन की पहली लड़ाई में 1191 ईस्वी में जो हुई उसमें वो पृथ्वीराज चौहान से क्या करता है, लड़ाई करता है. बट फेस डिफीट, लेकिन क्या होता है, हार जाता है. द वेरी नेक्स्ट ईयर अगले ही साल ही अगेन अटैक एंड डिफीट पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन इन 1192 एडी. 1192 में यानी कि अगले ही साल उसने पुनः पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया. दिस रिजल्ट इज द तुर्किस रूल ओवर इंडिया. दिस तुर्किस रूल फ्रॉम दिल्ली फ्रॉम 1206 एडी टू 1526 एडी. अगर हम बात करें तो जब ये मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करते हैं और जीत जाते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, तुर्किश रूल भारत में शुरुआत होती है. तुर्किश रूल भारत में राज करना शुरू कर देते हैं और ये शुरू होता है 1206 से और बात होती है 1526 तक. तो हम बात करेंगे, हम इस चैप्टर में जो डिस्कशन करेंगे वो 1206 से लेके 1526 के बीच के समय का घटनाएं हैं उसके बारे में हम बात करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं द स्लेव डायनेस्टी. स्लेव मतलब होता है गुलाम. गुलाम वंश को हम देखते हैं तो गुलाम का सीधा मतलब क्या होता है, जो राजा होते थे उन वो युद्ध में या किसी तरीके से किसी को जीत लेते थे जो उनका गुलाम बन जाते थे, तो उनमें से जो किसी को शासन दिए तो क्या कहानी है हम उसको आगे देखते हैं. द रूल ऑफ स्लेव डायनेस्टी बिगेन विद द एक्सेशन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक एंड कंटिन्यू टिल द बलबंस. अगर बात करें ये शुरुआत होती है कुतुबुद्दीन ऐबक से, जो गुलाम वंश की शुरुआत होती है जब कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं वहां से शुरुआत होती है और बलबंत तक जाती है. आप इसमें देखेंगे तो सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी में कौन आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं और सबसे आखिरी कौन आता है, बलबन आता है. तो बलबन सबसे आखिरी होते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले होता है. इन बिटवीन देम, अब इनके बीच बीच में कौन आता है, इल्तुतमिश, रुकुद्दीन, रजिया, नासिरुद्दीन मोहम्मद रूल इन द डिफरेंट पीरियड टाइम्स. अब इनके बीच में ऐसा नहीं केवल कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ और उसके बाद बलबन हो गया, बीच में कोई नहीं है. नहीं, बीच में इल्तुतमिश भी है, रजिया सुल्तान भी है, बहुत सारे ऐसे शासक हुए जिनके बारे में हम बात करेंगे जो अलग अलग समय काल पर गुलाम वंश में राज किए. ऑल दीज रूलर वेयर कॉल्ड द मुल्क. मुल्क कहे जाते थे इनको, ये इन द अरबी अरब भाषा में इनको क्या कहा जाता था, मुल्क कहा जाता था, जिसका मतलब होता था विच मीन्स ए स्लेव, जिसका मतलब होता था गुलाम और सन ऑफ स्लेव या गुलाम के बेटे. तो ये जो पूरा का पूरा पीरियड है 1206 से लेके और 1290 के बीच का ये पूरा स्लेव डायनेस्टी है. इसमें हम युद्ध कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू करते हैं और बलबन तक पढ़ते हैं. तो देखते हैं ऑफ द रूलर्स हु रूल्ड द दिल्ली सल्तनत फ्रॉम 1206 टू 1286 फ्रॉम कुतुबुद्दीन ऐबक टू बलबन टुगेदर फ्रॉम द स्लेव डायनेस्टी. अब बात करें 1206 से लेके
1286 के बीच का जो समय काल रहा है ये गुलामों का रहा है, इसके बारे में हम देखते हैं जो सबसे पहले गुलाम वंश के संस्थापक हैं या गुलाम वंश के पहले राजा हैं उनके बारे में बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। आफ्टर द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी रिटर्न अगोर इन अफगानिस्तान। मोहम्मद गोरी क्या होता है, आक्रमण करता है और वापस लौट जाता है कहां, अफगानिस्तान, जहां से आया होता है। लीविंग द अफेयर्स ऑफ इंडिया इन द हैंड ऑफ हिज ट्रस्टेड स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक। अब जो भारत जाता है तो भारत का जो राजकाट रहता है वो अपने एक विश्वसनीय गुलाम को दे देता है, इसका नाम क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। सो आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी इन 1206 में जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, ऐबक टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो ऐबक क्या करता है 1206 में दिल्ली पे क्या करता है, अपने कंट्रोल में लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है। ही कट ऑफ लिंक्स विद द गोर एंड स्टार्टेड द प्रोग्रेस ऑफ डेवलपिंग इंडिया ऑन इट्स ओन इंडिपेंडेंट लाइन। अब मोहम्मद गोरी जिसका गुलाम होता है, राजा ही नहीं रहेगा जिसका वो गुलाम है, तो फिर वो क्या करता है, राजा मर जाता है तो अपना जो लिंक होता है, जो अपने संबंध होते हैं अफगान से, उसको तोड़ देता है और अपने स्वतंत्र रूप से भारत में भारत के चीजों को विकास करता है। अब अगले जो है वो इल्तुतमिश हैं, इनका टाइम पीरियड जो है वो 1210 माने 1210 से लेके 1236 एडी 1236 के बीच का समय है। इन 1210 ऐबक डाइड ऑफ इंजरी ड्यू टू फॉल फ्रॉम हिज हॉर्स व्हाइल प्लेइंग पोलो। अब ऐबक की मौत क्या होती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि ऐबक की मृत्यु कैसे हुई। तो ऐबक क्या कर रहे थे, घोड़े पे बैठ के पोलो खेल रहे थे। पोलो एक तरीके का गेम होता है जिसमें घोड़े से बैठ के गोल किया जाता है, तो उस गेम को खेल रहे थे और घोड़े से गिर जाते हैं और घोड़े की खुद से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जब उनकी मृत्यु होती है इसके बाद अगला शासक कौन बनता है, इल्तुतमिश। ऐबक वाज सक्सीड बाय हिज सन इन लॉ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो होता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद होता है जो अगला शासक बनता है। Thus the principal of the hereditary of son ascending his father was checked at the outset. It was Iltutmish who is regarded as the real consolidator of Turkish rule in India. अगर हम बात करें तो जो वास्तव में तुर्की रूल जिनको माना जाता है, सच्चा संस्थापक इसे माना जाता है, जो इल्तुतमिश होते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से लेकर 1210 के बीच में कुछ ऐसा विशेष काम नहीं किया जिनको उनको सच्चा संस्थापक माना जाए। सच्चा संस्थापक मानने का मतलब ये होता है कि जिन्होंने अपने वंश को बढ़ाने के लिए कुछ अच्छे कार्य किए हों। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसा कोई काम नहीं किया था, लेकिन हाँ इल्तुतमिश ने बहुत सारे काम किए, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है, सच्चा संस्थापक कहा जाता है। ही अब कुतुब मीनार की बात, एक बीच में छोटी सी टॉपिक है आपका, तो कुतुब मीनार के बारे में ऐसे ही मैं बता दे रहा हूँ। कुतुब मीनार जो है उसको बनाने की शुरुआत कौन किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन उनकी मौत हो जाती है तो मौत के बाद जो उसके ऊपर की दो बिल्डिंग्स होती है उसकी उसको पूरी तरीके से कौन बनवाता है, इल्तुतमिश बनवाते हैं। बस इतना ही जानने लायक है, आगे देखते हैं। ही मैनेज टू क्रैश हिज रिवल्स बोथ द तुर्क्स एंड द रिपब्लिकन राजपूत। अब ये जो इल्तुतमिश थे इनको पता था कि किस तरीके से उनको अपने तुर्क लोगों के और राजपूतों के बीच में एक समन्वय में बना के रखना है, किस तरीके से एक संबंध बना के रखना है। He also showed his wisdom when he refused to give settlement to Jalaluddin the Khwarizmi ruler who was escaping from the invasion of the Genghis Khan to the Mongol invaders। क्या होता है इल्तुतमिश के समय एक भागते भागते एक राजा कहीं दूसरे जगह से जिनका नाम क्या होता है जलालुद्दीन एक वो होते हैं शासक होते हैं, उनको चंगेज खान जो एक बहुत बड़ा मंगोल आक्रमणकारी था वो भारत उनको मतलब उनको मारने के लिए उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए दौड़ाता है, तो वो क्या होते हैं भारत आ जाते हैं, भागते भागते भारत में आते हैं तो इल्तुतमिश से मदद मांगते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए, हमारे पीछे मंगोल शासक चंगेज खान पड़ा हुआ है और चंगेज खान बहुत क्रूर शासक था, उससे सारी देश की सेनाएं लड़ती थी। तो क्या हुआ इल्तुतमिश ने उसकी किसकी जलालुद्दीन की सहायता करने से मना कर देता है, अगर वही सहायता वो कर देते तो क्या
क्या होता है, चंगेज खान आक्रमण भारत में कर देता और भारत को लूट लेता। इसलिए उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई, अपने बुद्धि का प्रयोग किया और जलालुद्दीन को कहा नहीं हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, जलालुद्दीन छुपा कहीं और किसी देश भाग जाता है। लेकिन भारत में चंगेज खान का आक्रमण बच जाता है, अगर चंगेज खान आक्रमण करता तो बहुत बुरी तरीके से भारत को लूट लेता। Thus the slab and the nation Delhi Sultanate from the death and the distractions while talking all of the decisions if to control the Turkish nobles sometimes called the group of the 40 or Chalagani. इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 40 लोगों का एक सदस्य बना के रखा था। कितने लोगों का? 40 लोग, उसके एक बहुत ही ज्यादा विश्वसनीय लोग थे जिनका एक गिरोह था जिसको क्या कहा जाता था, चालाकानी कहा जाता था। चालाकानी में 40 लोगों का सदस्य होता था जो इनको इनकी कई प्रकार से सुरक्षा करते थे। तो इन्होंने इसी स्थापना किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। He also granted lands or ikats to the members of his army. वो अपने आर्मी को जो उसकी सेना थी उसको जमीन दे देते थे, पैसा ना देके जमीन देते थे। तो इससे क्या होता था, उनके आर्मी सिपाही लोग होते थे वो खेती किसानी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते थे। तो किसानों को अपने सैनिकों को जमीन देने की प्रथा इल्तुतमिश ने ही शुरुआत किया था। इक्ता होल्डर्स वेयर गिवन टू राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। इक्ता होल्डर्स, इक्ता एक प्रचलन था जिसको शुरुआत किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। जिसके पास क्या होता था, लैंड रेवेन्यू मतलब होता है राजस्व कर, भू राजस्व कर लेने का अधिकार किसके पास होता था, जो इक्ता होते थे। तो इक्ता और चारागाह की दो इन चीजों का प्रचलन किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने कराया था। इसके बाद बात करते हैं हम रजिया सुल्तान की। तो रजिया सुल्तान का जो टाइम पीरियड है वो 1236 से लेके 1240 के बीच में है। इल्तुतमिश वाज बोर्न माइंडेड रूलर। It is proved by the fact that the thought he made many sons, but he considered none of them worthy of the thrones. इल्तुतमिश क्या थे? एक बहुत दिमागी शासक था, माइंडर था, दिमागी था, बुद्धिजीवी था। वो उसकी इस बात से पता चलता है जो कितना बुद्धिजीवी था कि इसके पास इनके बहुत सारे पुत्र थे, कई सारे लड़के थे, लेकिन कोई भी लड़का वर्दी मतलब शासक के लायक नहीं था, शासन नहीं कर सकता था। इसलिए इन्होंने अपने किसी भी बेटी को राजा नहीं बनाया, जबकि अपनी बेटी रजिया सुल्तान को क्या बना देते हैं, बेगम बना देते हैं। तो बेगम रजिया सुल्तान बन जाती हैं, उनको पूरा अपने जब मरने से पहले अपना पूरा शासन की बागडोर रजिया सुल्तान को दे देते हैं। He decided to nominate his daughter Rajya as the throne, अपने राज्य का शासन, अपने राज्य का राजा बनाने की शासिका बनाने की जिम्मेदारी किसको दे देते हैं, रजिया को दे देते हैं। Thus the nomination of the daughters of the thrones is the preference to sons was very bold and a noble step. और ये दिखाता है कि जो है कि ऐसा नहीं है कि ये सोचिए तब की सोच है कि उन्होंने अपनी बेटी को मजबूत समझा और उसके हाथ में शासन दे दिया और लड़के लड़की को अपने शासन नहीं दिया। ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम की। But the nobles did not support and the accession of Rajya as their sultan. लेकिन अब क्या हुआ कि जो nobles लोग हुए, जो बड़े अमीर लोग हुए, उन्होंने Rajya का कोई भी तरीके से सपोर्ट नहीं किया, जबकि वो Rajya के विरोध में ही आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी शासिका कोई एक महिला के अंदर वो काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो Rajya का विरोध किए, सपोर्ट नहीं किए। After the death of Iltutmish, his son Rukh उद्दीन फिरोज शाह वाज मेड द सुल्तान बाय द नोबल्स एज दे डिड नॉट लाइक टू लीव बाय वुमेन्स। अब जब इल्तुतमिश जब तक जिंदा था उसने रजिया सुल्तान को अपना शासिका बना दिया, शासक करने लगी, लेकिन जो नोबल्स लोग थे, जो अमीर लोग थे, जो बड़े बड़े लोग थे वहां के, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। और इल्तुतमिश के मरने के बाद उसके बेटे जिसका नाम क्या होता है, रुकनुद्दीन फिरोज था, उसको शासक बना देते हैं, रजिया सुल्तान को हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? क्योंकि वो कोई महिला उनके लिए काम करे, वो महिला के लिए काम करे, ये उनको पसंद नहीं था। रुकनुद्दीन वाज नॉट फिट टू द गवर्नमेंट टू सुल्तनात। अब ये जो थे फिरोज शाह थे, इनको ज्यादा इंटरेस्ट था भी नहीं और ये अच्छे भी नहीं थे उस समय शासन के लिए। तो आगे क्या होता है,
So Rajia become the ruler with the popular support of city populations and according to the wish of Tiltutmish. जब वो शासन मतलब उनका भाई राजपाट नहीं कर पाता है, शासन नहीं कर पाता ढंग से, लोग जनता नाराज होने लगी, जनता के बहुत सारे कर लग गए, तो जनता क्या की, जनता ने रजिया का सपोर्ट किया और इल्तुतमिश की इच्छा थी, तो फिर से कौन सुल्तान बन गया, रजिया सुल्तान बन गया। इसलिए हम इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान को पढ़ते हैं। आफ्टर बिकमिंग द रूलर रजिया रिफ्यूज टू बी ए पपलेट, ही discarded female dress and started to bolting coats with the face unblind. अब क्या हुआ, रजिया सुल्तान जब दोबारा शासिका बनी तो उन्होंने स्त्रियों के कपड़े बहुत ज्यादा तब की स्त्रियां क्या करती थी, पर्दा करती थी, तो पर्दा वर्दा करना बंद कर दी, मुंह में जो नकाब पहनती हैं मुस्लिम लोग देखते होंगे आप, वो पहनना छोड़ दी और बिल्कुल पुरुषों की भांति अपने दरबार में आने लगी, जो कई लोगों को नहीं अच्छा लगा। She even hunted and led the army in war. अब वो क्या करने लगी, युद्ध में जाने लगी, युद्ध में भाग लेने लगी वो लड़ाई को और वहां की सेनापति की भूमिका निभाने लगी। However, she faced a lot of the opposition from the Turkish noble who did not approve of her independence way. अब इसका रीजन क्या हुआ देखते हैं आप, कुछ लोगों में दिक्कत ये होती है कि उनके यहाँ बहुत ज्यादा छूट नहीं थी, लड़कियों के शासन उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने क्या किया, जिसका रिजल्ट एक बार उन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। किसका विरोध शुरू कर दिया, रजिया सुल्तान का विरोध शुरू कर दिया। वंस इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल्स ऑफ द पीरियड मिनराज इसिराज रिफ्यूज his discomfort at having the woman as ruler on his account. Razia was finally murdered in 1240 AD. Thus the end of short but the significant rise of Razia. Razia की हत्या 1240 में कर दी जाती है, 1240 में Razia की हत्या कर दी जाती है। छोटा ही सही कि Razia का काफी ज्यादा जो है हमको उनकी महत्वता और उनकी जो है महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में पता चलता है कि एक स्त्री होकर उन्होंने किस तरीके से शासन किया और जो आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणादायक है। आगे हम बात करते हैं नसरुद्दीन मोहम्मद की, जिसके टाइम पीरियड है 1246 से लेकर 1265 के बीच में। तो रजिया आफ्टर रजिया मेनी इनकैपेबल रूलर्स एसेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली सल्तनत, रजिया के मरने के बाद बहुत से ज्यादा नालायक टाइप के जो शासक हुए वो बने, उनके बारे में हम कोई खुशियत बात नहीं करते हैं। मिज़ुद्दीन बहराम सन ऑफ द इल्तुतमिश का एक लड़का हुआ जिसको बहराम कहते हैं, फिर उसके बाद अलाउद्दीन मंसूर जो रकुद्दीन का लड़का हुआ, फिर नसरुद्दीन मोहम्मद आया, अनदर सन ऑफ इल्तुतमिश का दूसरा बेटा होता है, वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन पावरफुल तुर्किश चीफ उलग खान नोन इन हिस्ट्री एज बलबन। तो कोई खास रूलर रजिया सुल्तान के बाद नहीं आता है, इसके बाद उनके आर्मी का चीफ होता है जिसका नाम क्या होता है, बलबन होता है, बलबन बनता है क्या शासक। द यंग एंड एक्सपीरियंस सुल्तान बिकम द पॉपुलेट इन द हैंड ऑफ बलबन, इसलिए जो यहाँ शासक होता है वो किसके हाथ में चल जाता है, बलबन के हाथ में चल जाता है। वजह यह होती है कि इल्तुतमिश के जितने भी बेटे होते हैं वो नाकारे होते हैं, वो किसी तरीके से शासन करने योग्य नहीं होते हैं, तो बलबन जो उनका चीफ होता है, जो आर्मी का चीफ होता है, वो अपने हाथ में एक एक्सपीरियंस मैन होता है, अपने हाथ से पूरी बागडोर ले लेता है। आगे जो हम बात करने जा रहे हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बात करने जा रहे हैं, 1266 से लेकर 1287 AD के बीच का समयकाल रहा है इनका, तो इनके बारे में थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। द स्ट्रगल फॉर पावर बिटवीन द मोनार्ची एंड द तुर्किश नोबल कम्युनिटेड टू बलबन कैप्चर पावर आफ्टर द डेथ ऑफ नसरुद्दीन मोहम्मद एंड फाइनली एसिडेंट ऑन थ्रोन इन 1266 AD बलबन इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड द स्ट्रेंथ द पावर ऑफ मोनार्ची ही बिलीव इन द डिफाइंड राइट ऑफ द किंगशिप एंड हिज इंक्रीज द प्रेस्टीज एंड पावर ऑफ मोनार्ची। कहने का कुल सारा मतलब इतना ही है कि ये जो है इनको पता था कि किस तरीके से शासन करना है, इनके पास एक्सपीरियंस था कि हमको अपने शासन को किस तरीके से बढ़ाना है, तो इन्होंने अपने उसी ढंग से काम किया, उन्होंने नोबल्स लोगों को खुश किया, क्योंकि जानते थे कि नोबल से ही सरकार चल सकती है इनकी, तो नोबल्स लोगों को खुश किया। बलबन वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, बलबन ने सबसे ज्यादा जो काम किया वो अपने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया। ही गेव द हार्श पनिशमेंट टू द रॉबर्स एंड द डेकोडी, जो भी लुटेरे हुए उनको उन्होंने क्या किया, बहुत
कठिनाई वाले बहुत ज्यादा दंडित अपराध मतलब बहुत ज्यादा दंड दिया। दीज हर्ष मेथड ऑफ बर्मन्स वेयर कॉल द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, और इसी को कहा जाता है रक्त खून और रक्त नीति, खून और रक्त नीति सॉरी खून और लॉग नीति किसे कहा जाता है, किस तरह से कहा बलबन के समय को कहा जाता है। बलबन ने एक पॉलिसी चलाई जिसका नाम था पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन एंड दे हेल्प हिम टू कंट्रोल हिज सिचुएशंस, और जो कि उनको सिचुएशंस को उस समय की स्थिति को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा मददगार रही। मोर एवर इन द ऑर्डर ऑफ इंप्रेस द पीपल बलबन मेंटेन ए ग्राउंड कोर्स, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ग्राउंड कोड बनाए। Whenever he went out of the surrounded by a large contingent of bodyguards, Balban introduced the costume of the sajda and prayog. दो प्रथा उन्होंने चलाई, एक सजदा और एक प्रयोग। It was done as an impassive that the noble were not his equal. He insisted that when the noble came up the court, they had lie down on the floor and kissed to the monarch's feet. Balban was one of the main agents of Delhi Sultanate by the ascending the power and prestige of monarchy instantly in the noble Delhi Sultanate. तो बात करते हैं बलबन के बारे में जल्दी से। बलबन के बारे में हमने पढ़ा कि उन्होंने लॉ और रक्त नीति चलाई, इन्होंने अपने लॉ और ऑर्डर को मेंटेन किया, इन्होंने एक दो प्रथाएं चलाई जिसको सजदा कहा जाता है और पैबोस कहा जाता है। सजदा में क्या होता था, कोई भी जैसे नोबल्स क्या होते थे, बहुत अमीर लोग होते थे, तो उनकी कहीं ना कहीं बराबरी किसके बराबर हो जाता था, राजा के बराबरी हो जाती थी। तो उन्होंने एक प्रथा चलाई कि जब भी कोई नोबल्स या कोई भी आदमी भारत मतलब दरबार में आएगा तो राजा के सामने जमीन पे बैठ के जमीन को चूमकर राजा को नमस्कार करेगा, इसी को सजदा कहा जाता है। तो बलबन एक बड़े शासक हुए। तो हमने स्लैब डस्टी में चार लोगों को पढ़ा, मेन में कुतुबुद्दीन ऐबक, इनका टाइम है 1206 से लेकर 1280 के बीच में, इल्तुतमिश 1210 से लेकर 1236 के बीच में, रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 के बीच में, केवल चार साल में। लेकिन रजिया सुल्तान का नाम आपने हमेशा सुना होगा। इसके बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद आते हैं, जिसके बारे में बहुत कुछ हमको नहीं पढ़ना है। इसके बाद गयासुद्दीन बलबन आते हैं 1266 से लेकर 1287 के बीच में। उसके बाद जब इनकी मौत हो जाती है तो दो तीन साल तक कोई और राज करता है, ऐसे आते आते रहते हैं, कोई ढंग का राजा नहीं होता है। इसके बाद जब आता है तो वो आता है आपकी खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं। अगर कोई डाउट्स है आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।